देखिए ये था, ये उस वक्त का जब कार सेवा हो रहा था, ये बच्चों को देखने के लिए रखा कि हमारी कभी ऐसी थी, यही तो हमारी इतिहास है, यही तो राम जन्मभूमि का। बनेगा, एकदम बनेगा और हर हाल में बनेगा, इसी बीजेपी के राज्य में बनेगा। हिंदू संगठन और ये नाम बदला गया फैजाबाद का, फैजाबाद से अयोध्या किया गया, इससे ये हमें जाहिर होता है कि मंदिर बनेगा। मंदिर मस्जिद की लड़ाई सब ये सब नेताओं की चाल है, सब टोटल। अभी ये लास्ट ये मुद्दा बीएचपी भी आ गई और शिवसेना भी आ रही है, सब आ रही है। दो साल पहले कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सोचा। ये लोग चाहते हैं कि राम मंदिर ऐसे जिंदगी भर टाट में रहे। एक सच्चा मुसलमान बाबू खां चाहता है कि राम मंदिर भव्य बने, हम लोग देखें उसको। इसके नाम पे खून खराबा होता है, चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, खून तो बहता है ना, इंसानियत खत्म हो जाती है। ज़्यादा इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनाव का लास्ट मतलब टाइम है ना, इसलिए उठ रहा है। सबको साधु संत और हिंदू लोग खास करके यही चाहते थे कि मोदी जी के आने से मंदिर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब लास्ट बिल्कुल स्टेप है, इसमें कोई उम्मीद दिख ही नहीं रही है। 24 को शिवसेना, 25 को आरएसएस, बाहरी लोग जब यहाँ आते हैं तो हम लोग को खतरा हो जाता है। अब जैसे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, बहुत लोग चले भी जाते हैं। चार बार दुकान लूटी गई हमारी, जब जब राम मंदिर और मस्जिद का बवाल यहाँ हुआ है तब तब हुआ है। बाद में घटना में हम लोग के यहाँ एक चम्मच नहीं बचा था, दुकान भी लूट लिया, घर भी लूट लिया, गिरा दिया, पौने 300 मकान जला के राख कर दिया गया, 16 मुसलमान को जिंदा जला दिया गया। हम लोग भाग के किसी तरीके जान बचाए, बदन ब्रेक जोड़ा कपड़ा था वही पहन के भागे थे, महीनों इधर उधर रहे, फिर जाके धीरे धीरे फिर स्टेब्लिश हुए। एक चम्मच नहीं बचा था। बाहरी लोग आए थे कार से और उन्हीं लोगों ने मस्जिद गिराई और उसके बाद मुसलमानों को मारना काटना शुरू कर दिया। तो नहीं आए हैं अभी एक बार अयोध्या में, उनका अभी पदार्पण यहाँ नहीं हुआ है। ये है कि इस बात को हम लोगों को भी दुख है कि मोदी जी यहाँ नहीं आए। मोदी जी यहाँ आए होते अगर तो वो स्थिति देखते कि रामलला किस स्थिति में, अयोध्या की क्या स्थिति है, गलत करें। यहाँ पे विकास विकास केवल रोड, मेन रोड केवल नए घाट से टेढ़ी बाजार तक चमका दी गई है। आप गलियों में जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या विकास हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, जो उसकी हकीकत है उसको बदलना चाहिए। राम के नाम पे बीजेपी जीत के गई, अयोध्या से पार्षद से लेके मेयर तक, लखनऊ मुख्यमंत्री, दिल्ली प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति उनका है, फिर भी मंदिर नहीं, उसकी कोई बातें नहीं कर रहे हैं। अभी योगी आए थे, जनता ने पूछा चिल्ला के राम मंदिर कब बनेगा योगी जी, कोई जवाब नहीं दिए, तो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं चाहता है, हमको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट खुद डरती है कि कहीं कोई दंगा फसाद ना हो जाए, या मतलब उस तरीके के लफड़े दंगे ना हो,
हिंदुस्तान के दो बेटे हैं, हिंदू और मुसलमान। कोर्ट क्या करे उसके आगे समस्या है, किसको नाराज करे, एक ही चीज़ है, हिंदू भी मांग रहा है मुसलमान भी मांग रहा है। चलिए भाई हम ही कुर्बानी दे दे रहे हैं, आप ही वहाँ बना लीजिए, फिर भी नहीं मान रहे हैं कि नहीं साहब 14 कोस 5 कोस मस्जिद यहाँ ना बने। पर इस बार आर पार की लड़ाई है, लाखों की संख्या में जब आएगी तो क्या होगा, सरकार गोली कितनी चलाएगी। 92 की लड़ाई में चलाया, 2-4-10 मरे, 100 मरे, बलिदान तो होना, हर काम में बलिदान होना, देश आज़ाद हुआ तो भी बलिदान हुआ, आज भी बलिदान होगा, बलिदान ही से ये काम होगा। नवयुग को क्या मतलब मंदिर मस्जिद से, बताइए आप। वो तो ये सोचते कि वो तो ये चाहते कि हमको बढ़िया से बढ़िया नौकरी सर्विस और रोजगार मिले, लेकिन इसी इन्हीं सब कारणों फंसे रह जाते सब। चाहे मंदिर बने, चाहे मंदिर ना बने, चाहे मस्जिद ना बने, कोई अस्पताल बन जाए या कुछ और ऐसा सामान बन जाए जिससे बहुत बढ़िया रहेगा, गरीबों का भी फायदा होगा, सब चीज़ का फायदा होगा। हम तो अपने दाल रोटी में लगे, बन जाए तो हम लोगों को 2 पैसे मिले भाई, पर्यटन आएगा तो हम लोगों को 2 पैसे बिक्री होगी भाई, हम तो चाहते हैं कल बन जाइए। और जब राम मंदिर यहाँ बनेगा तो अपने आप यहाँ विकास हो जाएगा, यहाँ की सड़कें सुनने की हो जाएंगी, इतना बाहरी पब्लिक आएगी यहाँ पे कि सबका कारोबार सब बढ़ जाएगा। परेशान जनता हो रही है यहाँ की, और कौन हो रहा है, जब देखे तब फलाने आए या कोई भी आया, रास्ते सब सील हो गए, सब बंद हो गए, सारी समझ बाहर, हम लोगों का बिजनेस टोटल बाहर पे डिपेंड है, बाहर के लोग रास्ता सब बंद, गाड़ी साधन सब बंद, एक तो आना जाना अंदर सब बंद हो जाता, और दूसरी बात बाहर दूर दूर तक तुरंत फैल आग की तरह बातें फैलती हैं, लोग डर जाते वहाँ लाठी चार्ज ना हो जाए तो या कोई मतलब लफड़ा ना हो जाए, आना जाना बंद, बिल्कुल असर पड़ता, क्यों नहीं पड़ता है। मंदिर बनना चाहिए, आदमी आएगा अच्छा रहेगा, लोग आते हैं ये कम, पब्लिक आती है ज़्यादा आने लगेगी, ज़्यादा ज़्यादा धंधा भी होगा हमारा।